आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी सारे अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो आज की इस वीडियो में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर अगर ट्रेडिंग पैटर्न की बात करी जाए तो अगर हम यहाँ पर काम करते हैं और अगर हम ट्रेडिंग पैटर्न जो हमारा इंट्राडे के लिए रहे वो अगर पहले से हम डिसाइड करके नहीं रखते तो यहाँ पर हम काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं और हम देखते हैं रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आ रहे। अब ट्रेडिंग पैटर्न से समझा जाए कि किस किस तरीके के ट्रेडिंग पैटर्न को लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ट्रेडिंग पैटर्न जो होता है कि भाई एक प्री डिसाइडेड लॉस और प्री डिसाइडेड प्रॉफिट पे लोग वर्क करते हैं, कि स्टॉप लॉस भी पहले से उनका डिसाइडेड है, टारगेट भी उनका पहले से डिसाइडेड है और वो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग पैटर्न यहाँ पर ये होता है एक लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट, यानी वो एक छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने कोई भी टारगेट नहीं लगा रखा। जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम दिन में उन्हें मिल जाए वो यहाँ पर बुक करने की कोशिश करते हैं। तीसरा ट्रेडिंग पैटर्न जो होता है जिसका लोग इस मार्केट में यूज़ करते हैं वो होता है लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, यानी कोई भी ट्रेड जनरेट करा और सबसे पहले उसमें टारगेट लगा दिया और नीचे स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया। मतलब टारगेट तो पहले से डिसाइडेड है, छोटा सा एक टारगेट लगा दिया लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यानी अनलिमिटेड लॉस पे वर्क कर रहे हैं एक लिमिटेड प्रॉफिट के लिए। ये एक तीसरा ट्रेडिंग पैटर्न होता है। और चौथा ट्रेडिंग पैटर्न यहाँ पर होता है अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, यानी ट्रेड जनरेट करा, ना ही कोई स्टॉप लॉस ना ही कोई टारगेट, दिन में जितना भी मिल जाए दिन भर में जितना भी लग जाए। तो ये एक चार अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग पैटर्न लोग फॉलो करके वर्क करते हैं यहाँ पर। तो अगर सबसे अच्छे ट्रेडिंग पैटर्न की बात करी जाए कि कौन सा एक बेस्ट हो सकता है हमारे लिए, तो यहाँ पर दो ट्रेडिंग पैटर्न ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो होते हैं कि भाई एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट पे अगर हम वर्क करें, रिस्क रिवार्ड रेशो पहले से हमारा डिसाइड रहेगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर इस तरीके से वर्क करते हैं और यहाँ पर जो 8-10 पॉइंट कैलकुलेटिव पॉइंट होते हैं, मैथमेटिकल पॉइंट होते हैं, जिसमें प्रिडिक्शन से ले के बाकी सारी चीज़ें हमारी पहले से डिसाइड होती हैं क्या क्या हम पैरामीटर फॉलो करेंगे, तो ये एक बढ़िया ट्रेडिंग पैटर्न हो सकता है इंट्राडे ट्रेड के लिए। या दूसरा हो सकता है कि भाई यहाँ लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट पे हम वर्क कर रहे हैं कि भाई हमारा स्टॉप लॉस तो पहले से डिसाइडेड है, छोटा सा स्टॉप लॉस है लेकिन हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए यहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि अगर ये दो ट्रेडिंग पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो एक सक्सेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये मेरा अनुभव है। अब दूसरे जो दो होते हैं कि भाई यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट पे हम वर्क कर रहे हैं या हम लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ना एक दिन अगर हमारा ख़राब आता है इंट्राडे में और उस दिन हमें बड़ा अगर कैपिटल लॉस लग जाता है तो यहाँ पर उसके बाद सर्वाइव करना काफ़ी कठिन हो जाता है। क्योंकि जैसे मैं लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ, इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कैसे भी मूवमेंट आ सकता है, ऊपर या नीचे की तरफ कितना भी आ सकता है। अगर हम फ्यूचर के स्टॉक में वर्क कर रहे हैं तो कितना भी ऊपर या नीचे मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि एक ही सिंगल ट्रेड में हमें बड़ा कैपिटल लॉस लग जाए। तो यहाँ पर सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम सेफ्टी को प्रायोरिटी पे लेके चलें, हमारी कैपिटल की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे लेके चलें, तो यहाँ पर सक्सेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर कैपिटल बढ़ती रहेगी तो कैपिटल बढ़ने की उम्मीद है, कैपिटल ही खत्म हो जाएगी तो बढ़ना नामुमकिन है। अब ज़्यादातर देखा ये गया है कि एक ना एक दिन तो हमारा ट्रेड गलत होगा और बहुत ज़्यादा गलत होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड जनरेट कर सके, कोई भी टेक्निकल टूल ऐसा नहीं है जो 100 में से 100 ट्रेड बता सके कि ये होगा। तो हम अगर हमारी कैपिटल को अनलिमिटेड रिस्क पे डाल रहे हैं और बाय चांस एक दिन हम गलत हो गए और काफ़ी बड़ा हमें कैपिटल लॉस लग गया, तो यहाँ पर हमारा एक
पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस भी काफी चला जाएगा। उसके बाद हम एक छोटे छोटे ट्रेड में डरने लगेंगे और सरवाइव करना हमारे लिए काफी कठिन हो जाएगा। तो अगर हम इंट्राडे ट्रेड में सक्सेसफुली वर्क करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग पैटर्न को पहले से डिसाइडेड करके रखें, और कौन सा ट्रेडिंग पैटर्न हमारे लिए सही रहेगा उसको डिसाइड करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सक्सेस के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। आज के वीडियो में इतने ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।